हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जावा सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। तो जावा सपोर्ट सिस्टम होता क्या है ये सबसे पहले जान लेते हैं। सपोर्ट सिस्टम, ठीक। तो द ऑपरेशन ऑफ जावा एंड जावा इनेबल्ड ब्राउजर ऑन द इंटरनेट रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ सपोर्ट सिस्टम, ठीक। तो जो जावा के ऑपरेशंस होते हैं, ठीक, वो ब्राउजर में इंटरनेट की रिक्वायर्स होती है वैरायटी ऑफ सपोर्ट सिस्टम। सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जितने भी प्रकार से भाग रिक्वायर मांग होती है इंटरनेट की, वो सारे ब्राउजर पहुंचाता है, ठीक। जावा में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, वो ऑपरेशंस क्या होते हैं ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज। तो इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे इंटरनेट कनेक्शन जा, ठीक। तो इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है, तो पहला इंटरनेट कनेक्शन जावा सपोर्ट सिस्टम में, अगर सपोर्ट सिस्टम है और डिस्क्रिप्शन उसके बारे में बताऊंगा। तो सपोर्ट सिस्टम, पहला इंटरनेट कनेक्शन जावा में, जो ब्राउजर इंटरनेट की रिक्वायर्स होती है वो पहला इंटरनेट कनेक्शन। तो लोकल कंप्यूटर शुड बी कनेक्ट टू द इंटरनेट, जो लोकल कंप्यूटर होते हैं वो उनको चाहिए कि इंटरनेट से कनेक्ट, ठीक। दूसरा है वेब सर्वर। तो वेब सर्वर क्या होता है, अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड सेंड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। वेब सर्वर का मतलब ये होता है, वह जो प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कि रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट की मांग होती है उसे सेंड करता है। जैसे वेब सर्वर का मतलब क्या होता है, जैसे हम गूगल में कुछ कुछ चीज़ें सर्च करते हैं, ठीक, वो गूगल हमें कहीं ना कहीं से सर्च करके लाके वो डॉक्यूमेंट हमको देता है। तो ये क्या हुआ, सर्वर। तो वो जो गूगल में हम सर्च करते हैं वो हमारी मांग हुई, ठीक। और जब हम क्लाइंट होके मांग कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या करेगा, सर्वर प्रदाता होता है, वो हमको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक। और फिर है तीसरा वेब ब्राउजर, अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड एक्सेस टू www एंड रन जावा एप्लेट। एक ऐसा प्रोग्राम जो हमको प्रोवाइड करता है एक्सेस करने के लिए www एंड वर्ल्ड वाइड वेब एंड रन जावा एप्लेट, जहाँ पे हम जावा एप्लेट को रन कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को, वो होता है वेब ब्राउजर, ठीक। HTML चौथा है, HTML अ लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग हाइपर टेक्स्ट फॉर द वेब। जब HTML में, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। तो ये हमको प्रोवाइड करता है क्रिएट करने के लिए हाइपर टेक्स्ट, जो लैंग्वेज होती है हाइपर टेक्स्ट उसमें वेब क्रिएट करने के लिए। एप्लेट टैग क्या होता है, फॉर प्लेसिंग जावा एप्लेट इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, जो जावा एप्लेट में एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को प्लेसिंग करता है वो होता है एप्लेट टैग, ठीक। एप्लेट टैग के द्वारा ही हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में कुछ जावा एप्लेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जावा कोड, जावा कोड इज यूज फॉर डिफाइनिंग जावा एप्लेट, जहां पे हम जावा एप्लेट की डिफिनीशन देते हैं, डिफाइन करते हैं, वो क्या कहलाता है, जावा कोड, ठीक। अब आता है बाइट कोड, सातवां नंबर, बाइट कोड, कंपाइल्ड जावा कोड दैट इज रिफर्ड टू इन द एप्लेट टैग एंड ट्रांसफर टू द यूजर कंप्यूटर, ठीक। जब हम जावा कोड को कंपाइल करते हैं तो वह एप्लेट टैग में रिफर करता है और वो हमें यूजर के कंप्यूटर में रिफर ट्रांसफर कर देता है। तो बाइट कोड क्या हुआ, जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है वो बाइट कोड होती है, ठीक। तो जब हम सोर्स कोड लिखते हैं तो उसे कंपाइल कराते हैं, इसके बाद कहाँ जाता है, वो बाइट कोड में, ठीक। फिर होता है प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, एन इंटरमीडिएट सर्वर बिटवीन द रिक्वेस्टिंग क्लाइंट वर्कस्टेशन एंड ओरिजिनल सर्वर। इट इज टाइपिकली इंप्लीमेंटेड फॉर द इंश्योरिंग सिक्योरिटी। जो प्रॉक्सी सर्वर होता है वो सिक्योर होता है, वो क्या करता है कि जो क्लाइंट वर्क स्टेशन से रिक्वेस्ट करते हैं वो ओरिजिनल सर्वर के पास जाके वो रिक्वेस्ट की मांग करता है और वो चीज़ प्रोवाइड कराता है, कौन, प्रॉक्सी सर्वर। फिर होता है मेल सर्वर। मेल सर्वर आपने जीमेल, ईमेल, याहू मेल तो सुना ही होगा, ठीक। आप इसका मीन्स क्या है ये मैं बता देता हूँ, अ कंप्यूटर सिस्टम दैट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल्स अक्रॉस नेटवर्क। जो नेटवर्क में हम कोई भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं वो क्या कहलाता है, मेल सर्वर, ठीक। मेल मतलब भेजना या प्राप्त करना, तो ये जब नेटवर्क में होता है तो उसे मेल कहा जाता है, ठीक। आपने भी सुना होगा जीमेल, ईमेल, याहू मेल, ये सारे चीज मेल सर्वर के अंतर्गत आते हैं। तब तक के लिए बाय।
विदा चाहते हैं, बाय।